तो उस शिकायत के बाद एक्शन होता है। मेयर मुनीस गुजर यहाँ खड़ी है, सब पार्षद खड़े हैं। जैसे ही शिकायत आज सुबह पता चली, खुद पहुँचे यहाँ पर। अब ये तो जांच का विषय कितनी सच्चाई क्या है, लेकिन यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। पैसों के अभाव में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दाह संस्कार की व्यवस्था की है। नगर निगम सब जगह व्यवस्था करवा रहा है। यदि किसी को ये कोई यदि शिकायत आती है तो उस पर एक्शन होता है। आपको पता है हमारे यहाँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जगह जगह छापे मारे, लोगों को गिरफ्तार किया। लोग जो इस वक्त भी दुखी लोगों के बीच में भी कहीं करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये मानकर चलिए इस वक्त जब युद्ध होता है तो कोई राजा नहीं, तो राजा खुद सड़क पर होता है। तो ये मंत्री, मेयर, पार्षद सब है ना, जमीन पर खड़े ना, शमशान घाट के अंदर ही तो खड़े हैं भाई साहब। अभी जान बाकी वो ले लो और बिल्कुल बची नहीं है। इसलिए ये मानकर चलिए कोई आपदा में किसी को अवसर नहीं करने देंगे, बेईमानी किसी को करने नहीं देंगे। पाप कोई करेगा तो पाप का हिसाब लेना आता है, जवाब देना आता है, एक्शन लेना आता है, सुधार करना भी आता है। अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, सरकार ने पॉलिसी लागू कर दी, उन्हीं का जायजा लेने के लिए हम आए, कोई कमी नहीं। पता जी, बिल्कुल तस्वीर आप देख रहे हैं कि आरयूएचएस में बेड के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के नाम पर धमकाया जा रहा है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ऑक्सीजन हटा देंगे, ये तस्वीर आ रही है। और वहीं शमशान से इस तरह की तस्वीर आ रही है। आप एक्शन है तैमर, आप एक्शन में है, लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन नकेल कब कसी जाएगी? नकेल कस दी गई है। आरयूएचएस की शिकायत आई, वहाँ एक्शन हुआ। किसी हॉस्पिटल की शिकायत आई, वहाँ एक्शन हुआ। सड़क पर हैं, 2400 घंटे फोन चालू है, उठा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे। चाहे वो अस्पताल हो, शमशान घाट हो, सफाई हो, सुरक्षा हो, हर जगह हम तैयार। हमारी एक एक आदमी सब जगह खड़ा है, हमारा परिवार का आदमी, इसलिए कोई कमी नहीं आने देंगे। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात आपने कही, तो ऑक्सीजन का कोटा हमारा केंद्र सरकार ने कम कर दिया। गुजरात, MP, UP और आपके हरियाणा को तो ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हो 100 आदमियों पर, हमें कम दे रहे हो। तो जो कोटा उनका फिक्स हो हमारा भी करो। कहीं पर भी कोई कमी है तो हमसे बात करो भाई। ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है, ये लोगों की मदद करने का वक्त है। ये तो नोबल कॉज है। पॉलिटिकल लड़ाई से अन्याय हो रहा, ऑक्सीजन पूरी हमें नहीं दे रहे, केंद्र सरकार कहीं राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार से हम लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई कायर नहीं समझे, ये नहीं समझे कि हम कायर है। हमें लड़ना भी आता है और मरना भी आता है, और मरते हुए लोगों को बचाना भी आता है। ये नहीं समझे कोई कि हम कायर होकर बैकआउट करके भाग जाएंगे। कायर तोड़ना है, मैदान में उतरेंगे जहाँ जनता के ऊपर जुल्म होगा, अन्याय होगा, अन्याय का जवाब देंगे। तो इस वक्त तो कम से कम भ्रष्टाचार बंद करो, ये भ्रष्टाचार करने का वक्त है क्या? लोगों की जेब पर आप यदि कोई जेब काटने की कोशिश करेगा, इस वक्त आपने सही कहा, आपदा में अवसर ढूंढेंगे। लोग देखेंगे कि कोई महामारी फैली हुई है, भुखमरी, हालात खराब है, पहले वो हॉस्पिटल में कुट पिट जाता है, मरीज को लेकर जाता है। सरकारी अस्पताल में सब कुछ फ्री कर दिया गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब ने, सब फ्री है, एम्बुलेंस तक फ्री है, दाह संस्कार तक फ्री है। दाह संस्कार फ्री है आपके यहाँ? नगर निगम खुद दाह संस्कार की व्यवस्था कर रहा, मतलब दाह संस्कार तक फ्री है। ऐसे में कोई आदमी गड़बड़ करेगा छोड़ देंगे क्या उसको? नहीं छोड़ेंगे। प्रताप ने खुद ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, कंट्रोल रूम के नंबर आ गए हैं, वो सूचना दे बताए, और अभी मैं आपको भेज दूंगा। हमने जो एक साल पहले हमने नॉर्म्स तय कर दिए थे कि इस हॉस्पिटल 5,000 से ज़्यादा दवाई विद 5,000 रुपये के अलावा ज़्यादा नहीं ले सकते प्राइवेट हॉस्पिटल। यदि प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े ग्रुप यदि कहीं ज़्यादा पैसे लेते हैं, उनकी शिकायत कंट्रोल रूम में करें, कंट्रोल रूम कार्रवाई करेगा। ज़्यादा पैसे लेने का हक ही नहीं है। और अब तो सरकारी अस्पतालों में CSC PSC स्तर पर चालू कर दिया। फाइनेंस भी कोई वीक है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाकर सरकारी में जाए, फिर भी जाता है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में उसका कैशलेस स्कीम है, जिसमें नाम आया हुआ है विज्ञापन में, उसमें जाए। और यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज को बेवजह निकालेगा पैसों की खातिर, और या उसको पूरा लाभ नहीं देगा इंश्योरेंस का, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, दुर्लभ जी अस्पताल को लेकर मंत्री सुभाष गर्ग, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी ट्वीट किया था, सुभाष गर्ग जी ने, उसका बड़ा रिएक्शन था, बड़ा गुस्सा था पूरी कैबिनेट में। दुर्लभ जी अस्पताल के लिए खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, मैं खुद कुछ हॉस्पिटल्स में गया था, उदयपुर में भी मैं हॉस्पिटल्स में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वहाँ डायरेक्शन दिए, कलेक्टर SP सब मेरे साथ थे। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि जो गलत कर रहे हैं वो सुधर जाएं, सख्त कार्रवाई के लिए सरकार को मजबूर नहीं करें। हम इस वक्त सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि यार आप हद कर दी। तो सर, अगर गोवा के अंदर सारे अधिकांश जरूरत पड़ेगी तो सब करेंगे। जो लोगों के रिलीफ के लिए करना है वो सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सही टाइम आने पर सब करेंगे। अभी व्यवस्थाएं कंट्रोल में है और राज्यों से ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, ये पूरा देश जानता है।
वैक्सीनेशन में नंबर वन है, इलाज में नंबर वन है, लोग तक गोटी पहुंचाने में नंबर वन है, व्यवस्थाओं में नंबर हमें हमारी टीमें सब जगह खुद व्यक्तिगत रूप से ढूंढ रही है, घूम रही है। आफ्टरऑल ये सब जो हम घूम रहे हैं एक लीडरशिप के नेतृत्व में काम होता है, सो गहलोत नेतृत्व कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन में ही सब काम हो रहा है, तो सब जगह फील्ड में हम उतरे हैं। तो ये